तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो में बात करेंगे कि कल 11 जून को मार्केट कैसा रहेगा, कौन से शेयर आप इंट्राडे और नॉर्मल ले सकते हो, और जो मैंने इससे पहले जो शेयर बताए थे उनका क्या हुआ। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर नए हो, आपको पता नहीं इंट्राडे शेयर कैसे ले, तो या फिर आपको शेयर खान के यूज़र हो, अगर आपको इंटरफेस पता नहीं तो मैंने ऊपर कार्ड में वीडियो दिया है, वो आप देख सकते हो। आपको आसानी होगी बाय करने और सेल करने में इंट्राडे और नॉर्मल। तो यह बात करते हैं कि इससे पहले मैंने वीडियो में जो बताया था कि मेरे हमेशा चार शेयर हमेशा ही बेस्ट है, उनमें से मान लीजिए यस बैंक, ज़ील। देख कर नहीं आप मेरे वीडियो देख सकते हैं इससे पहले, जो मैंने हमेशा बताता हूँ यस बैंक, ज़ील आपको प्रॉफिट ही देगी। इंट्राडे में आपको नहीं चाहिए कि कोई कंपनी लॉस में चाहिए या फिर गेनर में हो या लॉस में चली गई। मेरी एक ही स्ट्रेटेजी, अगर गिरते हैं इस बैंक तो सेल कीजिए, बाद में बाय कीजिए। ये पता नहीं तो मैंने कार्ड में वीडियो दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो यस बैंक की मूवमेंट हमेशा दिन में 3% रहती है। दो तीन रुपये की प्राइस से आप स्टॉप लॉस लगाकर आप यस बैंक सेल कीजिए। लगभग 500-600 रुपये आपको यस बैंक सिर्फ 5 या 10 मिनट में ही दे सकती हो, और थोड़ी देर रुके तो लगभग 2500 का प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन 1 या 2 रुपए के बीच में आप सेल कीजिए। मैं आपको चार शेयर बताने वाला हूँ, अगर दिन में भी आप वो शेयर बाय या सेल जो बताने वाला हूँ आप करते तो लगभग 2000 का आपको प्रॉफिट होगा, 2000 से लेकर 10000, डिपेंडिंग आप कितनी क्वांटिटी लेते हो इंट्राडे के लिए। तो कल अगर मार्केट खुलता है और यस बैंक निगेटिव जाती है तो आप पहले सेल कीजिए, कोई बात नहीं, बाद में बाय कीजिए। बाद में यानी कि मार्केट क्लोज होने तक बाय मत कीजिए। अगर अच्छी खासी गिरे 1 या 2 रुपए तब भी आप बाय कीजिए। कभी कभी क्या होता है, अगर बायर्स बढ़े तो आपने पहले सेल किया, आपको लॉस में जा सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ लालच मत कीजिए, 2-3 रुपए से भी आप सेल कीजिए। इसलिए मैं हमेशा मिनिमम आपको 3 शेयर बताता हूँ। तो अगला बताता हूँ ज़ील कंपनी, जो मैंने हमेशा बताई है लगभग इसकी भी मूवमेंट 3% होती है और उससे भी ज़्यादा। अगर इसकी मूवमेंट आप देखें 5 या 10 रुपए ऊपर नीचे होती है, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 340, हाई 346 और लो 329 बनाए, तो लगभग इसकी इतनी मूवमेंट होती है। तो आप इससे भी लगभग 2000 अकेले शेयर से कमा सकते हो। स्ट्रैटर्जी आपको 9:30 बजे के बाद ही अपनी पोजीशन लेनी है। तो यस बैंक और ज़ील हो गई अलग अलग सेक्टर की। तो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ इंडिया बुल्स फाइनेंस, ये भी कंपनी बहुत अच्छी है। इंट्राडे के लिए मैंने नहीं ली इस पर, और ये आपको लगभग प्रॉफिट देगी 500 से लेकर 1000 रुपये सिर्फ 10-15 मिनट में आपको देगी। ज़्यादा लालच नहीं करनी, इसलिए मैं हमेशा आपको 3 ही शेयर मिनिमम बताता हूँ और 4 मैक्सिमम इंट्राडे के लिए। 2000 आपका प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो यह देख सकते हैं इंडिया बुल्स फाइनेंस, अच्छी खासी मूवमेंट होती है। प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 731, लो देख सकते और हाई देख सकते हैं, लगभग 20 रुपये का डिफरेंस है। तो अगर 5 रुपये के डिफरेंस में भी आप सेल करते हो या फिर बाय करते हो, डिपेंडिंग, अगर कल निगेटिव जाते हो तो निगेटिव या पॉजिटिव जाते हो तो पॉजिटिव। तो 9:30 बजे के बाद इसलिए मैं कहता हूँ अगर निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगी और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। मार्केट क्लोज होने तक बता नहीं सकता, लेकिन 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक यानी 12 बजने से पहले तक ये वैसा ही रहेगा, इसलिए मैं ये शेयर बताता हूँ। आपको मार्केट क्लोज होने तक वेट नहीं करना है। आपको अगर आप मान लीजिए आपने 733 में बाय किया, यानी कि कल ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे चला गया 730 तक, आपको लगा कि ये गिरने वाला है यानी कि गिर चुका है, तो आपको सेल करना है 725 में, वापस बाय करना है 5 रुपये के डिफरेंस में। लगभग आपको 500 या 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। आपको जल्दी से बाय का ऑर्डर डालनी है। मान लीजिए कल पॉजिटिव चला गया यानी कि 5 रुपये बढ़ गए, आपने उस समय बाय किया, तो लगभग आप 3 या 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के उसे सेल कीजिए, तो आपका प्रॉफिट होगा। मार्केट क्लोज होने तक वेट मत कीजिए वरना लॉस होगा। यह देख सकते हो जब इसका क्लोज बना था 731 था, फिर नीचे चला गया यानी कि डाउन चला गया, आपने बाय किया, किसी ने उस समय सेल किया होगा और उससे भी ऊपर चला गया तो लॉस हुआ ना। लेकिन दिन में अगर यह देख सकते हो, देखिए अगर कैंडल देखेंगे तो इतनी मूवमेंट रहती है, तो मैं ये देख सकते हैं आप
तीन मिनट का चार्ट मैंने ऊपर यह किया है लगाया, यह देख सकते हैं इतनी मूवमेंट होती है एक शेयर में। तो आपको सिर्फ एक मूवमेंट पकड़नी है, इसलिए मैंने आपको चार शेयर दिए, तो लगभग आपका प्रॉफिट लगभग 10,000 ज़रूर होगा। तो ये हो गए इंट्राडे के लिए जो मैंने बताए। बैंक के लिए यस बैंक मैंने बताई है, दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी अच्छी खासी बैंक है। ऑप्शन में बता रहा हूँ, अगर आपको यस बैंक छोड़कर किसी बैंक में और मूवमेंट चाहिए तो 3% मूवमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में रहती है, आप इसे बाय कर सकते हो। तो ये हो गए इंट्राडे के लिए। जो अब बताने जा रहा हूँ वो नॉर्मल हर रोज़ की तरफ DHFL, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको लॉन्ग टर्म में वही शेयर लेने चाहिए जो ज़्यादा गिरते हैं, तो DHFL सबसे अच्छा है। आप डेली चार्ट देखिए, बहुत गिर चुका है, अपनी प्राइस से लगभग 20% गिर चुका है। ये गिरा था तभी मैंने बताया था कि 3% डाउन आपको बाय करना है। लगभग ये शेयर एक साल में आपको 50,000 का प्रॉफिट ज़रूर देगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छा है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप देख सकते हो डिविडेंड भी हर साल डिक्लेयर हुआ है। और आपको बोनस भी मिलता है, यानी कि मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म में आप इसे बाय किया है एक साल या दो साल, तो आपने 100 शेयर बाय किए तो डिविडेंड अलग मिलेगा, बोनस भी रेशियो होता है, जैसे विप्रो का तो पता ही है। लगभग 1990 में अगर आपने बाय किया होता 10,000 तो आज लगभग 600 करोड़ रुपए आपको होते। वैसे ही लॉन्ग टर्म में हमेशा इन्वेस्टर की सोच ऐसी होती है, तो इसलिए मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए भी शेयर बताता हूँ। तो ये शेयर बहुत अच्छा है DHFL। उसके बाद बैंक अगर चाहिए तो यह देख सकते हैं, ये बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा, यानी कि 6-7 साल 10 साल नहीं बता रहा, सिर्फ आपको साल में 4 ट्रेड करने, इसके मिनिमम 3 भी चलेगी और वो 3 होते होते जैसे मैंने बताया था ये 40 तक गया तो आपको बाय करना है। अब गया है 40, इसका सपोर्ट है 37 या बताया, लेकिन 35 तक जा सकता है नीचे। आप 35 तक वेट मत कीजिए, अगर 40 में भी बाय करते हो तो चलेगा, नीचे आता है तो 3% डाउन में आपको बाय करना है। ए शेयर मूवमेंट आपको ज़रूर देगा, ए शेयर आपको सेल करना है 47 से लेकर 50 तक, और साल में 3 ट्रेड होंगे तो आपको लगभग ये शेयर भी 1,00,000 आपको कमा कर दे सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस 50 रुपीज़ से कम है, तो आप थाउजेंड्स क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो एक होगा ALBK बैंक, और दूसरे CG Power जो मैं हर वक्त बताता रहता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस इस शेयर का बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। तो इसका सपोर्ट है 30 के बीच और इसकी रेंज है 40-42 तक। अगर 30 में आप बाय करते हो, इस प्राइस में भी अगर बाय करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये शेयर बढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, मतलब इसकी मूवमेंट होने में मंथ लगते हैं, लेकिन आपको रिटर्न भी वैसे ही मिलते हैं। तो ये हो गए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको कोई और शेयर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं हर कमेंट में आपको जवाब देता हूँ। अगर आपको ऑप्शन मार्केट चाहिए तो यह आप देख सकते हैं कि ऑप्शन मार्केट या निफ्टी कैसे हो सकती है ऑप्शन मार्केट में, 13 जून की एक्सपायरी। तो यह देख सकते हैं, अगर कल मार्केट खुलता है तो आपको क्या करना है, ओपन हमेशा हाई से ही शुरू होगा, निफ्टी का हाई से शुरू होता है। सिर्फ आपको ऑप्शन मार्केट में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा नहीं कि ऑर्डर बाय पहले कॉल किया या फिर पुट जो मैं बताने वाला हूँ वैसे ही छोड़ दिया और मार्केट क्लोज होने तो आपको लॉस होगा। और 13 जून मार्जिन जो ऑप्शन मार्केट खेलते हैं सॉरी उन्हें पता है, जब एक्सपायरी आती है तो उस पर प्राइस जीरो होती है, तो लॉसेस इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि आप कंगाल हो सकते हो। तो ऑप्शन मार्केट में देखिए, कल मार्केट खुलेगा अगर 50 से 80 पॉइंट से ऊपर, 9 बजे के ऑप्शन मार्केट बता रहा हूँ, ठीक 9 बजे ये ज़्यादा बताएगा निफ्टी, तो आपको जल्दी से वो पुट करना है सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 या 15 मिनट आपको वेट करना है, वो भी ज़्यादा हो गया। 11,900 का पुट लीजिए, कल अलग प्राइस होगी, मार्केट डिपेंड अपॉन होता है मार्केट, तो आपको सिर्फ 15 मिनट में ये अगर बढ़ता है तो, अगर बढ़ गया 50 या 60 पॉइंट के बीच तो आपको पुट लेना है और जल्दी से स्टॉप लॉस लगाना है और 15 मिनट में आपको सेल करना है, आपको प्रॉफिट लगभग 2,000 से 3,000 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क होती है। तो ये हो गई निफ्टी, और निफ्टी बैंक के भी वही है तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम और होता है या फिर आपको और कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।